अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। बता दें कि सालों का इंतजार आज खत्म हुआ है, पूरा देश राम भक्ति में लीन हो चुका है। वहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम का स्वागत हो तो रहा है, लेकिन देश के अन्य स्थानों पर भी श्री राम के आगमन की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार में भी जगह जगह राम धूम देखने को मिली है। कहीं भंडारा तो कहीं सुंदरकांड पाठ और कई जगहों पर प्रोजेक्टर लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। वहीं किन्नर समुदाय में भी प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखने को मिला है। जगह जगह राम के जयकारों से धर्मनगरी हरिद्वार गूंज उठी। हरिद्वार से रेश तोमर की रिपोर्ट। मेरी गुरुजी भी मेरे साथ में है और अयोध्या की तरह आज हमारी पंचपुरी, हमारा ये हरिद्वार शहर पूरा भगवा झंडों से और भगवा गानों के साथ में लहरा रहा है और इतनी गूंज, इतनी आवाज़ युवाओं के अंदर, सबके अंदर इतनी पुकार, इतनी उत्तेजना देखने को मिल रही है कि हमें बहुत अच्छा और बहुत गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है किन्नरों का वो रामचंद्र जी से ही है। रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास गए, नर और नारी चले गए और किन्नर लोग वहीं पे रह गए, तो तब से हमें रामचंद्र जी का आशीर्वाद है कि आप लोग जाओ और आप लोगों का आशीर्वाद। पूरे भारतवर्ष में कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जो राम में हुआ, हर गली में बच्चे हों, महिलाएँ हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, सब जो है राम दरबार, राम आज जो है अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा हो रही है उसका सब भव्य स्वागत कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से उसको जो मना रहे हैं। और ये हम लोग जो हम पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के भैया आप तो दीपावली कहते हैं, दीपावली जैसा ही प्रतीत हो रहा है। आज ये लग रहा है कि हिंदुत्व में एक साथ है, पहली बार हिंदुत्व में लग रहा है कि हिंदुत्व है और हम तो जो बन करते हैं श्री राम जो करा रहे हैं हम वो कर रहे हैं। कॉफी राम राम कॉफी इसकी नमकीन सब जो सकता सर, आज पहली बार हिंदुत्व में एक आनंद ही आनंद है और अंदर के गर्मी और जोश के जीवन में ये दो दिवाली है और इसलिए हम कहते हैं खूब जोर से और जोर शोर से मनाए गए। जय जय सियाराम, जय जय।